गाइस आप देख सकते हैं ये नज़ारा, ये है एक्चुअली ये खजियार है। सो हम वहाँ पे घूमने गए थे डलहौजी में, सो ये बहुत अच्छा था। आप देख सकते हैं ये दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है और ऐसा कहीं नहीं मिलता। ये सच में ये मिनी स्विट्ज़रलैंड कहलाता है। हमें तो ये बहुत अच्छा लगा था और हमने यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी की थी। ये इस घोड़े का नाम है तूफ़ान। सबके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, इसका नाम सुल्तान है मे बी। हाँ जी, इसका नाम है सुल्तान और हमारे घोड़े का नाम था आलिशान। तो यहाँ पे जो इनका प्राइस है वो 500 से स्टार्ट होता है, 500-600, बट आप यहाँ पे बारगेनिंग भी कर सकते हो। हमें तो 250 में मिल गया था, हमने 250 में घोड़े की राइड ली थी मैंने और कुदरत ने, आप देख सकते हो, और हमने बहुत इंजॉय किया था। ये ट्रैकिंग ही हो जाती है एक तरह की। कुदरत ने भी बहुत इंजॉय किया था, इतना अच्छा नज़ारा और ऊपर से ट्रैकिंग और ऊपर से घोड़े की राइड बहुत अच्छी थी। थोड़ा थोड़ा बीच में डर भी लग रहा था हमें, पर बट इट्स ओके, हमने कर ली क्योंकि हम एक बार पहले भी कर चुके हैं शिमला में। सो हमें तो ये बहुत अच्छा लगा। आप चाहो तो बारगेनिंग कर सकते हो, 250-300 तक वो मान जाते हैं इजीली। Why you are not scared? You like horse riding? You know what is the name of this horse? Alishan. Ali? Kya hai? Alishan. Alishan, Kudrat and mom, Nishu together. सभी लोग ये राइड का मजा लेते हुए। हाय कुदरत, बोलो हाय कुदरत, बोलो कुदरत, हेलो बोलो। पहले हम शिमला में ये कर चुके हैं घोड़े की राइड, मैं और कुदरत सेम, तब भी हमने की थी दोनों ने, तब हमारे साथ मेरे हस्बैंड भी थे, बट अभी इस बार हम दोनों ने ही की, बस मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे। बीच बीच में ये रुक रहा था। देख सकते हैं आप, थोड़ा जंगल का रास्ता भी इधर। एक्चुअली जो घोड़े का रास्ता है वो अलग से बनाया उन्होंने ट्रैकिंग के लिए, समुद्र से ही जा रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। मारो पैर, मारो थोड़ा, चलो गाइस। आप देख सकते हैं कितना अच्छा, ये कितना सुंदर है, कितनी सुंदर जगह है। You are not scared, Kudrat? और आप चाहो तो आप एक्टिवा भी रेंट पे ले सकते हो, बाइक एक्टिवा। हमने तो एक्टिवा रेंट पे ली थी, हम एक्टिवा से ही आए थे कुछ में। थैंक यू गाइस। आया था इधर।